हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं कृष्णा, आप लोग सभी को मेरी यूट्यूब चैनल इजी वे आसाम में फिर से स्वागत करती हूँ। और अभी मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ फिर से एक नया इन्फॉर्मेशन। और आज का इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का रिसेंट अपडेट आप लोग को मिलता रहे। क्योंकि आप लोग को पता ही है, मैं यहाँ पर आप लोगों को ITI रिलेटेड जॉब या फिर अप्रेंटिस या फिर ITI के कोर्स के बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अगर आप लोग ITI से जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आइए अभी देखते हैं किस चीज़ का निकला है वैकेंसी। ये देखिए, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में निकला है कार्यालय अधिरक्षण, यहाँ पर दिया गया है विज्ञापन। 6/1/2023 को निकला था ये नोटिफिकेशन। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत ग्रेजुएट टेक्नीशियन डिप्लोमा और ITI अप्रेंटिस के लिए ये आवेदन है। 2022-23 मध्य प्रदेश राज्य के शासकीय और अशासकीय मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं मतलब ITI से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से निम्नलिखित शाखाओं मतलब व्यवसायों या फिर ब्रांच ट्रेड में एक वर्ष का अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए। अभी आइए देखते हैं मतलब कौन से ट्रेड का है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए है, देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है, सामान्य के टोटल यहाँ पर 6 है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए भी 1 है, टोटल ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 8 है। उसके बाद डिप्लोमा अप्रेंटिस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 है, टोटल 3 है डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए। अभी देखिए ITI अप्रेंटिस का कितना है। फिटर के लिए टोटल यहाँ पर है 8, टर्नर के लिए 3, वेल्डर के लिए भी 3, मोटर मैकेनिक के लिए 3, उसके बाद है इलेक्ट्रिशियन के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पर 10, और उसके बाद वायरमैन के लिए 2 पोस्ट है, टोटल 29 है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नोट दिया है उक्त रिक्तियाँ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवार के लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही ये अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आवेदन पत्र को कार्यालय में मतलब जमा करें या फिर डाक द्वारा दिए गए पते पर भेजना पड़ेगा। यहाँ पर दिया हुआ है कौन से मतलब पते में आप लोग को भेजना पड़ेगा। कार्यालय अधीक्षण अभियंता MPC एवं प्रशिक्षण अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश 484220 इस एड्रेस में आप लोग को भेजना पड़ेगा। और आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि आप लोग का रहेगा 15/2/2023 तक, इसके बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो कृपया आप लोग जल्दी कर दीजिएगा। या फिर यहाँ पर लिखा है विभिन्न वर्गों का आरक्षण भी है, यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार किया जाएगा। और प्रशिक्षण के लिए लागू नियम यहाँ पर दिया गया है, शैक्षणिक या फिर तकनीकी योग्यता शासन के नियमानुसार संबंधित विषय, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में डिग्री लगेगा। टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा। और ITI अप्रेंटिस के लिए शासकीय या फिर अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से ASCC मतलब CIT और ITI उत्तीर्ण होना पड़ेगा तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर पात्रता उम्मीदवार इसमें पूर्व मतलब अप्रेंटिसशिप योजना के अंतर्गत किसी भी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो। अगर आप लोग पहले किए होंगे तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और प्रशिक्षण का चयन उनके शाखा व्यवसाय में कुल प्राप्तांकों CGPA की प्रावीण्य सूची मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। और यहाँ पर दिया है प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण समाप्त होने पर मध्य प्रदेश पांचन कली द्वारा नियुक्ति देने के बाध्यता नहीं होगी। आवेदन पत्र में अपूर्ण त्रुटिपूर्ण जानकारी अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, यहाँ पर दिया गया है। गाइज, आप लोग अभी तक अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। यहाँ पर ITI उत्तीर्ण आवेदकों को भारत सरकार NAPS नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम तथा ग्रेजुएट टेक्नीशियन डिप्लोमा उत्तीर्ण आवेदकों को नेशनल वो सर्टिफिकेट मिलेगा आप लोगों का NETS।
अप्रेंटिसशिप नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मतलब करवाना अनिवार्य होगा। आप लोग को वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर मतलब करना पड़ेगा नेप्स पर और नेट्स पर, तो ही आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आप लोगों को आवश्यक निर्देश मतलब दिशा निर्देश है तो आवश्यक समय पर अपना ईमेल आईडी तथा कंपनी की वेबसाइट http://mppgcl.mpgov.min भी मतलब देखना रहेगा, देखते रहना पड़ेगा, तो ही आप लोग को पता चल पाएगा। उसके बाद यहाँ पर और एक देख लीजिए, चयनित अप्रेंटिस प्रशिक्षकों को शासन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी, चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की फ़ोटो प्रति 500 रुपये की स्टम्प पेपर के अनुबद्ध इत्यादि आवश्यक रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराए जाना आवश्यक होगा। मतलब आप लोगों को कार्यालय में यह सब करवाना पड़ेगा। गाइज, आज का इन्फॉर्मेशन इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये PDF अगर आप लोग को चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोग को टेलीग्राम में डाल दूँगी। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय गाइज़।